अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन शशि कपूर, अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर, लेकिन आपने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह ने काम किया हो साथ। आखिर क्या वजह है, क्या वजह है कि अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह कभी भी एक साथ फिल्मों में नहीं आए? हालांकि नसीरुद्दीन शाह ने कई बार अमिताभ बच्चन के बारे में टिप्पणी लिखी, उन्होंने कहा है कि अमिताभ बच्चन ने कोई यादगार फिल्म नहीं की। किस तरह के एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह और अमिताभ बच्चन, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मी क्रिटिक्स अजय विश्वकर्मा जी। अजय विश्वकर्मा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह कभी भी एक फिल्मों में कभी भी स्क्रीन शेयर नहीं किया, क्या वजह हो सकती है? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया और कई बार दर्शकों को भी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार जो है एक साथ क्यों नहीं आए। तो मिर्जा जी, मैं बता दूं कि सन 80 का दशक चल रहा था और उस समय आर्ट फिल्म और कॉमर्शियल फिल्म का बोलबाला था। तो आर्ट फिल्मों के एक अलग कलाकार होते थे, उनके अलग डायरेक्टर होते थे, उनकी अलग पहचान होती थी और कॉमर्शियल की अलग पहचान होती थी। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों दो धाराओं के कलाकार थे और शायद यही कारण है कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी इस तरह का उनको नहीं सोच पाया और दोनों साथ नहीं आ सके। दो धारा में तो ओम पुरी भी थे, अमरीश पुरी भी थे, आपको नाना पाटेकर थे, सभी के साथ दिखाई दिए। हाँ, मुझे याद है कि सन 80 के दशक में नसीरुद्दीन शाह की एक फिल्म थी पार, तो पार में उन्होंने एक हरिजन की भूमिका की थी। तो उसके लिए बसरते उन्होंने जो है डाइटिंग वगैरह करके बिल्कुल अपने पेट को सटकाया, बिल्कुल अंदर किया और गाल वगैरह चिपका कर मतलब लगना चाहिए कि वो बिल्कुल हरिजन है। और एक तरफ फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी तो जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन साहब थे और चूंकि वो एक कॉमर्शियल फिल्म थी और बहुत ही बड़े बजट की फिल्म थी, तो आपने देखा होगा कि जो कुली के रोल में वो थे तो वो लाल जो कुली का जो वेशभूषा था, वो रस्सी रखा हुआ और हेयर स्टाइल जो उनकी थी वो मतलब कहीं से वो कुली नहीं लगते थे, अमिताभ बच्चन लगते थे। क्योंकि फिल्म में ये दिखाना होता था कि मुझे अमिताभ बच्चन ही चाहिए। यहाँ एक और पार जैसी जब फिल्म बनती है तो उसमें एक हरिजन लगना, उसमें नसीरुद्दीन शाह नजर नहीं आता। तो दोनों फिल्मों ने ही अपने समय में धमाल मचाया। एक तरफ इन्हें अवार्ड मिलती है लेकिन जनता नहीं मिलती है, और एक तरफ जनता मिलती है और पैसा भी मिलता है। तो यही फर्क के कारण जो है ये दोनों का आमना सामने नहीं। नसीरुद्दीन शाह ने तो अपने इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ बच्चन ने तो कोई यादगार फिल्म की नहीं, शोले को यादगार फिल्म नहीं की, इस तरह से उन्होंने कहा, मैंने देखा। और क्या वजह है कि नसीरुद्दीन शाह अमिताभ बच्चन के बारे में इस तरह? नसीर साहब हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक अच्छे अदाकार हैं और वो तो राजेश खन्ना को भी उन्होंने सुपरस्टार मानने से इनकार कर दिया था। क्या कहा था उनके बारे में? उनको उन्होंने कहा था कि यह स्टार कहां से हो सकता है, आपकी वो सुपरस्टार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नसीर साहब पता नहीं इस तरह की बातें क्यों बोलते हैं और क्या क्या चलता है उनके मन में कि दुनिया के सबसे बड़े एक्टर वो। चूंकि उनकी जो फिल्म होती है, उनकी जो दर्शक होती है और उनकी जो पहचान होती है, तो मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि मैं सही मानों में एक्टर हूं। लेकिन सच यह है कि कॉमर्शियल कॉमर्शियल है। और आपको याद होगा कि जब इस तरह की फिल्में जब चलती थी तो आदमी को पेट भरने के लिए जो है कॉमर्शियल में जाना होता था। इन्होंने भले ही जो है आठ फिल्मों में अपना जो है लोहा मनवाया, लेकिन त्रिदेव जैसी फिल्म को करके आईने ओए ओए करना पड़ा। तिरछी टोपी वाले और कई कॉमर्शियल फिल्मों में इन्होंने काम किया, वो पैसे के लिए इन्होंने काम किया। क्योंकि कॉमर्शियल से एक मन को संतुष्टि मिलता है, लेकिन एक आगे के चलाने के लिए और मतलब कलाकार को एक पूर्ण कलाकार होने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। आप क्या मानते हैं, नसीरुद्दीन शाह बेहतर एक्टर है कि अमिताभ बच्चन? अगर तुलना की जाए तो दोनों में किनको आप बेहतर मानेंगे एक्टिंग के मामले में? दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। एक
ये आठ फिल्मों के बेताज बादशाह हैं, तो वो कॉमर्शियल फिल्मों के शहंशाह हैं। और बच्चन साहब का तो खैर कहना ही नहीं है, बहुत ही जगह बनाई है फिल्म इंडस्ट्री और सारे लोग इनको जानता है। आज तक कैसा ऐसा कोई ऐसी कोई कहानी नहीं मिली कि जिसमें अमिताभ बच्चन अमित शाह को कोई डायरेक्टर प्रेजेंट करे साथ मिले, या मतलब कोई और वजह रही, या दोनों तैयार नहीं हुए कभी ऐसा हुआ? ईगो, कलाकारों में ईगो बहुत ही ज्यादा फलता फूलता है, और खास करके हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो है, जब चढ़ता हुआ सूरज होता है तो उस समय लोग अपने फुल फॉर्म में होते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, जो मैं हूं वही हूं और एको हम द्वितीय नहीं, और उन्हें लगता है कि बस, और वो फिल्म कहानी चुनाव के साथ साथ ये भी देखते थे कि कौन स्टार और स्टार कास्ट या सहायक अभिनेता अभिनेत्री मेरे साथ हैं, तो स्टोरी राइटर और डायरेक्टर को ये चीज लोगों ने बता देते थे कि देखो फलाना को नहीं होनी चाहिए। हाँ, और हो, अगर होता भी था तो उनकी रोल कट जाती। कभी ऐसा आपको मालूम है कि कैसे कभी ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म साइन की हो और नसुद्दीन शाह को भी साइन किया गया हो, उसके बाद अमिताभ ने फिल्म छोड़ दी हो या नसुद्दीन शाह ने फिल्म छोड़ दी हो, कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ? नहीं, ऐसा संयोग तो नहीं हो सका। नहीं हो सका, ऐसा संयोग नहीं हो सका, मतलब एक इत्तेफाक हुआ कि दोनों इत्तेफाक कहा जाए फिल्म में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों मिलते होंगे आपस। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि लोगों के बारे में बोलना अलग बात है। कभी भी अमिताभ बच्चन का प्रतिक्रिया नहीं सुनने को मिला नसुद्दीन शाह के बाद? नसुद्दीन शाह ने जो कहा कि वो कोई बहुत अच्छे अभिनेता नहीं है, वो उनकी कोई यादगार फिल्म नहीं है। अमिताभ बच्चन को इसीलिए लोग याद करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। हाँ, क्योंकि वो चुप रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, खामोशी उनकी पहचान है। खामोशी उनकी पहचान है, खामोश। हाँ हाँ, खामोश, चुप रहते हैं, चुप रहते। और नसुद्दीन शाह के बारे में भी कभी कुछ नहीं कहा? हाँ, नहीं, कोई कुछ बोलते रहे वो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दोनों मंझे हुए एक्टर हैं और दोनों जो है बिल्कुल बिल्कुल अपने अपने फील्ड के दोनों मंझे हुए। हाँ, दोनों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं? बिल्कुल। तो दोनों मंझे हुए एक्टर नसुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, लेकिन इसे इत्तेफाक कहा जाए कि दोनों कभी भी फिल्म में दिखाई नहीं दिए एक साथ, और ये पब्लिक की डिमांड, पब्लिक के दिल में ही है। शायद अभी भी वक्त है, दोनों फिल्मी दुनिया में मौजूद हैं, कभी भी ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन दोनों अभिनेता को साइन करे और हम तमाम लोगों को ये देखने को मिले कि अमिताभ बच्चन और नसुद्दीन शाह एक साथ पर्दे पर दिखाई दें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगली बार लेकर आएंगे नया मुद्दा, नई चीज़ें, नई कहानियाँ।